खरे की रसोई से मैं हूँ शशि खरे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कभी कभी इंसान बहुत थका हुआ होता है और हम लोगों को इतना समय भी नहीं होता है कि हम कोई व्यंजन तैयार करें जल्दी से। तो मैंने आज ऐसी ही कोशिश करी है कि जो झटपट तैयार भी हो जाए और आसानी भी रहे, सुविधा भी रहे और सब चीज़ें जल्दी से इकट्ठी करके और बना दी जाएँ, उसको मैंने बनाया है। एक भरवा अंडे का को भर के बनाया है। आइए सामग्री नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज, एक टमाटर, गाजर, अदरक, हरी मिर्च और उबले हुए अंडे, गरम मसाला, थोड़ा सा चटपटा करने के लिए लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। मैंने इन अंडों को 10 मिनट तक उबाला है और उबाल कर ठंडा करके तैयार किया है। अब हम इन अंडों को छीलना शुरू करते हैं। जब ये अंडे छिल जाएंगे तब हम इसको आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए उबले अंडे हमारे छिल गए हैं और अब हम इन्हें बीच से आधा काटेंगे। एक चाकू की सहायता से हमने इनको बीच में से काट लिया है और अब हम इनकी जर्दी निकाल के अलग रखेंगे एक बाउल में, ताकि हमें इससे इसमें हम आराम से फिर इसमें मसाले मिला के तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे अंडे की जर्दी निकल आई है और इसी तरह हम सब अंडों की जर्दी निकाल के और फिर इसमें मसाले डाल के इसे तैयार करें। मैंने प्याज, अदरक, हरा धनिया और हरा मिर्चा चारों चीज़ों को काट के तैयार किया है और अब ये जर्दी जो निकाली थी हमने अंडे की, इसमें इस मिश्रण को मिलाएंगे। इसके अलावा इसमें हम थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे ताकि चटपटा हो जाए। गरम मसाले का अपना अलग टेस्ट होता है। इसको हम थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया हमने और इसको हमने नमक भी डाल के तैयार कर लिया है इस मिश्रण को, और ये मिश्रण हमारा भरने के लिए तैयार हो गया है। अब हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, इनको हम अंडों के अंदर भरना शुरू करते हैं। इन्हें हम काफ़ी दबा दबा के भरेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह मसाला काफ़ी पहुंच जाए इसमें और खाने में स्वादिष्ट लगे। इन्हें सर्व करने के लिए हमने प्लेट को सजा दिया है और अब इस प्लेट में हम इनको अंडे को सेट करते हैं। अब ये हमारा अंडा जो है भरवा अंडा तैयार हो गया सर्व करने के लिए। अब हम अपना व्यंजन टेस्ट करके देखते हैं। इसे हरी चटनी के साथ खाया जाए तो बहुत लाजवाब लगता है। देखें कैसा लगता है। वाह, लाजवाब।